रोहित शर्मा ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतिहास रच दिया। लखनऊ में खेले जा रहे दूसरे T20 में भारतीय टीम की शुरुआत करते हुए रोहित शर्मा ने 111 रन की नाबाद पारी खेली। इस शतकीय पारी के साथ रोहित T20 इंटरनेशनल में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले और बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 3 शतक दर्ज हैं। इस दौरान रोहित ने कैरेबियाई गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए 61 गेंदों पर नाबाद 111 रनों की पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 181.96 का रहा। इंटरनेशनल T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज। 1. रोहित शर्मा भारत -4 शतक। 2. कोलिन मुनरो न्यूजीलैंड -3 शतक। 3. क्रिस गेल वेस्ट इंडीज -2 शतक। 4. इविन लुइस वेस्ट इंडीज -2 शतक। 5. ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड -2 शतक। 6. लोकेश राहुल भारत -2 शतक। इस पारी की बदौलत रोहित T20 में बतौर कप्तान 2 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने। अपनी शतकीय पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 7 छक्के जमाए। इसी के साथ ही वे भारतीय सरजमी पर सर्वाधिक सिक्सर उड़ाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। उनसे पीछे 20 छक्कों के साथ युवराज सिंह फिर मोहम्मद शहजाद 20 का नंबर आता है। रोहित ने ब्रैथवेट की गेंद पर चौका लगाकर शतक पूरा किया। रोहित ने एक और कीर्तिमान अपने नाम किया। वे लगातार दूसरे साल एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक छक्के 66 उड़ाने वाले T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी बने। 2017 में रोहित शर्मा ने 65 सिक्सर उड़ाए थे। रोहित ने इस मैच में नियमित कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़कर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने की उपलब्धि भी अपने नाम की। विराट को पछाड़ने के लिए उन्हें इस मैच में 11 रन चाहिए थे। रोहित ने जैसे ही विंडीज के ओशन थॉमस की गेंद पर छक्का लगाकर अपने स्कोर को 16 तक पहुंचाया, उन्होंने विराट को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने 62 इंटरनेशनल T20 मैचों की 58 पारियों में 48.88 की औसत से 2102 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 18 अर्धशतक लगाए हैं। वे अभी तक इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं। रोहित के अब 86 मैचों की 79 पारियों में 33.89 की औसत से 2203 रन हो गए और वे अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे क्रम पर पहुंच गए। मार्टिन गप्टिल रनों के शिखर पर। यदि इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल शीर्ष पर हैं। गप्टिल 75 मैचों की 73 पारियों में 34.40 की औसत से 2271 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 14 फिफ्टी लगाई हैं। रोहित ने पाकिस्तान के शोएब मलिक 2190 रन 108 मैच और न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम 2140 रन 71 मैच को पीछे छोड़ा।